हेलो फ्रेंड, यू आर वाचिंग हम बच्चों को बड़े बुरे तरीके से कंपेयर कर रहे हैं। और सबसे पहले तेरे इतने कम मार्क्स आए हैं, बेल आइकॉन दबाइए। और तेरे 66 क्यों आए हैं? यहां तक तो ठीक है, उसके 92 आए हैं, ये गलत है। दिस क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन इन अ चाइल्ड एंड फ्रस्ट्रेशन इज द रूट ऑफ एंगर, इज द सीड फॉर एंगर। कभी भी नोट करना, जब आपको गुस्सा आता है, बाहर तो बाद में आता है, पहले अंदर आता है, उससे पहले क्या होता है? उससे पहले एक फ्रस्ट्रेशन होती है, वो अंदर ही अंदर पनप रही होती है कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, कई महीनों तक, फिर वो एंगर में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो एंगर एक्सप्रेस होता है। तो डू यू वांट योर चाइल्ड टू बी फ्रस्ट्रेटेड? नो, बिकॉज फ्रस्ट्रेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू डिप्रेशन। अगर फ्रस्ट्रेशन है और आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, एक्सप्रेस कर दिया तो लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, दोनों ही तरफ से फंसे। तो ऐसा कैसे हो कि वो फ्रस्ट्रेशन ना आए? बच्चों को कंपेयर करने से पहले हमें अपने आप को शीशे में देखना है और अपने आप से सवाल पूछना है कि अगर वो बच्चे हमें कंपेयर करें तो हमें कैसा लगेगा। सेम जैसे हम बच्चों को कंपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही, यानी कि उसी स्कूल में जहां पे आपके बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, वहां पर एक बुक हो पेरेंट्स के लिए और आपको बोला जाए रट लो इसको। आप गए वहां पे साल में एक दिन, एग्जाम दे करके आए, 100 में से नंबर आ रहे हैं 40 और बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, तो मेरी तो नाक कटवा दी मेरे बाप ने उनको देखो और आपके मुंह पे हा करके बोल रहे हैं, ये क्या किया, ये स्पेलिंग मिस्टेक, और इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाओ। हो सकता है आपके नंबर कम आए, किसी और के बहुत ज्यादा आए, क्योंकि वो रटो तोता है या तोती है, उसके आए 98% पेरेंटिंग के सब्जेक्ट में, और वो तोता है, वो एक्चुअली बिल्कुल बेकार पेरेंट है, बस रट लिया है उस पूरी की पूरी किताब को, और आप एक बहुत ही अच्छे पेरेंट, मतलब पेरेंटिंग की जो भी अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए वो सब आपके अंदर है, लेकिन आपके नंबर आए 40 यानी फेल। तो जिंदगी भर के लिए आपके ऊपर क्या ठप्पा लग गया कि आप एक खराब पेरेंट, आप अच्छे पेरेंट नहीं हो। कैसा लगेगा आपको? गुस्सा आएगा, नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी ना। ऐसे ही बच्चे, अरे बच्चों में क्या पावर्स है।